सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, स्वागत है जी तुहाडा साडे यूट्यूब चैनल मास्टर जी विच। अज आपां अनुवंशिकता अते जीव विकास हैरीडिटी एंड एवोल्यूशन दे रिगार्डिंग जिन्हें भी MCQ बनते हैं वह सारे करांगे जी, ते जो कि 94 ETT 94 दे विच बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं जी। पहला प्रश्न हैगा, वधेरे संख्या विच सफल भिन्नतावां किवें प्राप्त हुंदियां हन? वधेरे संख्या विच सफल भिन्नतावां किवें प्राप्त हुंदियां हन? इसका राइट आंसर है जी, दसो। पहला गा जी लिंगी प्रजनन, बडिंग, कोई नहीं। राइट आंसर आ गया जी इसका अपना लिंगी प्रजनन। ठीक है जी। अगला प्रश्न, किस प्रक्रिया द्वारा नवे जीव पैदा होंगे? राइट आंसर है जी, जनन प्रक्रिया नाल। प्रश्न नंबर 3, हेठ लिखियां विच्चों लिंगी जनन द्वारा पैदा होंगे? केड़ी चीज लिंगी जनन द्वारा पैदा होंगी है जी? नंबर 1 मनुख, नंबर 2 तोता, नंबर 3 जीवाणु, नंबर 4 मनुख अते तोता। राइट आंसर है जी डी, मनुख अते तोता लिंगी जनन द्वारा पैदा होंगे। प्रश्न नंबर 4 है जी, एक बैक्टीरिया विभाजित होके किन्ने बैक्टीरिया पैदा करता है? नंबर 1, 2, 3 या 4। एक बैक्टीरिया विभाजित होके किन्ने बैक्टीरिया पैदा करता है? राइट आंसर है जी बी, 2। प्रश्न नंबर 5, मुढ़ली शरीरक बणतर अति कुछ भिन्नतावां कित्थों मिलदियां हन? नंबर 1 है जी पीढ़ दर पीढ़ी, गुआंढियां तों, भैण भरा तों, कोई नहीं। पांचवें दा राइट आंसर है जी पीढ़ी दर पीढ़ी। प्रश्न नंबर 6, लिंगी जनन नाल भिन्नतावां अते अंतर दैश हुंदा है? लिंगी जनन नाल भिन्नतावां अते अंतर दैश हुंदा है, घट, नंबर 2 वध, नंबर 3 बिल्कुल नहीं, नंबर 4 कोई नहीं। इहदा राइट आंसर है जी वध, लिंगी जनन नाल भिन्नतावां अते अंतर वध हुंदा है। प्रश्न नंबर 7 है जी, टीटी किस तरह के लक्षण नूं दर्शाउंदा है? टीटी किस तरह के लक्षण नूं दर्शाउंदा है? नंबर 1 लंबा, नंबर 2 बौना, नंबर 3 प्रभावी, नंबर 4 कोई नहीं। इहदा राइट आंसर है जी नंबर बी, बौना। टीटी किस तरह के लक्षण नूं दर्शाउंदा है? बौने नूं। नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 है जी, जीवां विच किसे भी लक्षण दियां किन्नियां विरासती कापियां हुंदियां हन? 1, नंबर 2, नंबर 3 या नंबर 4, किन्नियां हुंदियां ने जी? इहदा राइट आंसर है 2। जीवां विच किसे भी लक्षण दियां 2 विरासती कापियां हुंदियां हन। अगला प्रश्न है जी नंबर 9, पौधे दी लंबाई पौधे विच मौजूद किसकी मात्रा ते निर्भर करती है? पौधे की लंबाई पौधे विच मौजूद किसकी मात्रा ते निर्भर करती है? सेल, नंबर 2 हारमोन, नंबर 3 जीन, नंबर 4 DNA। दसो। इहदा राइट आंसर है जी हारमोन, पौधे की लंबाई हारमोन करके, हारमोन की मात्रा करके निर्भर करती है। प्रश्न नंबर 10, सैल के किस भाग विच प्रोटीन संश्लेषण की सूचना होंदी है? इहदा राइट आंसर है जी ए, DNA। अगला प्रश्न,
माफी चाहना जी। प्रश्न नंबर 11, बैक्टीरिया दी सेल विच डैश नहीं हुंदा। राइट आंसर है जी, दसो डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मैम्ब्रेन जां कोई नहीं। इहदा राइट आंसर है जी बी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न जी 12, मनुख विच गुण सूत्रां दे किन्ने जोड़े हुंदे हन। मनुख दे विच गुण सूत्रां दे किन्ने जोड़े हुंदे हन, 21, 22, 23 जां 24। 12वें दा राइट आंसर है जी 23। अगला प्रश्न आई, प्रश्न नंबर 13, कन्न पाली किस नूं आखदे हन। कन्न पाली किस नूं आखदे हन, कन्न दे हेठले भाग नूं, उपरले भाग नूं, अंदरले भाग नूं, विचकारले भाग नूं। तां इहदा राइट आंसर है जी कन्न पाली कन्न दे हेठले भाग नूं आखदे हन। अगला प्रश्न है जी प्रश्न नंबर 14, एक लसन लई हर संतान विच किन्ने विकल्प होणगे। 1, 2, 3, 4। तां इहदा आंसर आ जूगा जी सैकंड, 2। हर संतान विच किन्ने विकल्प होणगे जी, 2। जेनेटिक्स दे पिता किस नूं कहा जांदा है। प्रश्न नंबर 15, जेनेटिक्स दे पिता मां किस नूं कहा जांदा है। 15वें दा राइट आंसर है जी मेंडल। सारिआं नूं पता होना चाहीदा जी जेनेटिक्स दे पिता किस नूं कहा जांदा है, मेंडल। प्रश्न नंबर 16, किहड़ा जीव अपना लिंग बदल सकदा है। घोगे, गंडोए, छप, शेर। तां इहदा राइट आंसर है जी ए, घोगे। घोगे अपना लिंग बदल सकते हैं। प्रश्न नंबर 17, पथराट कितना पुराना है। इसका अंदाजा डैश राही लगाया जा सकता है। सापेखक तरीका, कार्बन डेटिंग, इड़ी उड़ा अते आड़ा, दोनों कोई नहीं। प्रश्न नंबर 17 दा भी पथराट कितना पुराना है, इसका अंदाजा किवें लगाया जाता है जी। 17वें दा सी आंसर, सापेखक तरीका भी सही है जी, कार्बन डेटिंग द्वारा। इन्हां दोनों तरीकों राही ही पथराट कितना पुराना है इसका अंदाजा लगाया जाता है। 18वां प्रश्न जी, जंगली गोभी का विकास किस दी उदाहरण है। बनावटी चोण, कुदरती चोण, जां ऊड़ा अते आड़ा, दोनों कोई नहीं। 18वें दा ए आंसर है जी बनौटी चौन। प्रश्न नंबर 19, क्रिकेट सीखना डैश तरह का लक्षण है। ग्रहित, अनुवंशिक, प्रभावी या कोई नहीं। इसका राइट आंसर है जी ए, ग्रहित। प्रश्न नंबर 20, हेठ लिखियां विच्चों केड़ा कथन गलत है। हर हारमोन लई एक जीन हुंदा है, हर प्रोटीन लई एक जीन हुंदा है, चर्बी दे हरेक अणु लई एक जीन हुंदा है, हर एंजाइम दे निर्माण लई एक जीन हुंदा है, चर्बी दे हरेक अणु लई एक जीन हुंदा है। इन्हां विच्चों किहड़ा कथन गलत है जी, डी ऑप्शन गलत आ, बई चर्बी दे हरेक अणु लई एक जीन हुंदा है। अगला प्रश्न है जी प्रश्न नंबर 21, एक जुगम जिसने अपने पिता तो एक्स गुण सूत्र ग्रहण किया है, वह अगे चल के की बनेगा। नर, मादा, कुछ नहीं कह सकते। गुण सूत्र बच्चे दे लिंग नूं निर्धारित नहीं करता। इहदे विच राइट आंसर है जी बी ऑप्शन, कुछ नहीं कह सकती। ये आपां नूं सारिआं नूं पता है बई मादा दे विच
ਐਕਸ ਐਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਵਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨਰ ਦਾ ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ ਮਾਦਾ ਦਾ ਵਾਈ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਰ ਦਾ ਐਕਸ ਤੇ ਮਾਦਾ ਦਾ ਐਕਸ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਰ ਦਾ ਐਕਸ ਗੁਣ ਸੂਤਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਾਜਰ, ਆਲੂ, ਗੋਭੀ, ਮੂਲੀ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸਮਜਾਤ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ? ਸਮਜਾਤ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਮੂਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਮੂਲੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 23। ਮੌਜੂਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਵਜ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨ? ਏਸ਼ੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਜਾਂ ਚੀਨ? 23ਵੇਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਅਫਰੀਕਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ, ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕਤਾ, ਜੀਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? 24ਵੇਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਬੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕਤਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕਤਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜੀਵ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ? 25ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ।